औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को दक्कन से वापस बुला लिया था और उसकी जगह राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी की सरकूबी के लिए रवाना किया। जिस वक्त जयसिंह उन इलाकों में पहुंचा, उस वक्त शिवाजी अपने लश्कर के अलावा अपने कुंबे के सारे अफराद के साथ पोरबंदर नाम के किले में कायम किए हुए था। राजा जयसिंह ने बड़ी राजदारी और बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए पोरबंदर नाम के उस किले का मुहासरा कर लिया जहां शिवाजी कायम किया हुआ था, और मुहासरे में उसने सख्ती पैदा कर ली। शिवाजी ने जब देखा कि अब तो किले के चारों तरफ मुगलों का लश्कर फैल गया है और भागने की कोई राह नहीं, तो उसने अपनी रिवायती चालाकी को काम में लाते हुए जयसिंह से सुलह करने का इरादा किया। किला से निकलकर वो जयसिंह की खिदमत में हाजिर हुआ और सुलह की दरख्वास्त की। आखिर 22 जून को पोरबंदर के मुकाम पर जयसिंह और शिवाजी के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ। उस मुआहिदे के तहत शिवाजी महाराज ने अपने पास सिर्फ 22 किले रखे। साथ ही उसने ये भी दरख्वास्त की कि उसके बेटे संभाजी को मुगल अपने लश्कर में शामिल कर ले। उनकी ये इल्तिजा भी कबूल कर ली गई। उसने जो माजी में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को नुकसान पहुंचाया था, उसकी वजह से उन्हें 40 लाख की रकम का जुर्माना किया गया। उन्होंने ये रकम 13 किस्तों में अदा करने की हामी भर ली। उस मुआहिदे के बाद औरंगजेब ने उसकी गुज़िश्ता गैर दानिशमंदाना और गैर वफादाराना कार्रवाइयों को माफ़ कर दिया। उस मुआहिदे के बाद शिवाजी औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में हाजिर होने के लिए आगरा पहुंचा और उसकी दरख्वास्त पर औरंगजेब ने उसे 5000 के लश्कर का सालार मुकर्रर किया। लेकिन उस मनसब पर शिवाजी खुश ना हुआ और भागकर वापस चला गया और अपने बेटे संभाजी को अपने साथ ले गया। लिहाजा वापस जाकर फिर उसने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। सारे मराठों को अपने साथ मिलाने के बाद पे दर पे कार्रवाइयां करते हुए दोबारा उसने तमाम किलों पर कब्जा कर लिया जो उसने मुगलों को वापस किए थे। इसके अलावा अपने इलाकों में अपनी हालत मुस्तहकम करने के बाद उसने मुगलों के इलाकों में भी लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया था। उसकी सरकूबी के लिए यके बाद दीगर औरंगजेब ने अपने बेटे और एक सालार दिलेर खान और इनके बाद महाबत खान और दिलेर खान को रवाना किया, लेकिन इन लोगों को कामयाबी हासिल ना हुई। आखिर औरंगजेब ने एक और सालार बहादुर खान को रवाना किया। यही बहादुर खान बाद में खान जहां के नाम से भी मशहूर हुआ। उस दौरान शिवाजी ने काफी ताकत व कुव्वत पकड़ ली थी। उसने बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उस दौरान हालात मजीद शिवाजी के हक में हो गए, इसलिए कि बीजापुर का सुल्तान 1672 ईस्वी में इंतकाल कर गया, तो शिवाजी ने बीजापुर के कुछ इलाकों पर भी नजरें गाड़ दी। उस मौके पर मुगलों के लिए हालात अजीब से हो गए थे, इसलिए कि उन दिनों खैबर के अफगानों ने भी बगावतें कर रखी थी। औरंगजेब के लश्कर का बड़ा हिस्सा और अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सालार खैबर की उन बगावतों को खत्म करने में मसरूफ थे। शिवाजी की तरफ छोटे छोटे लश्कर भिजवाते रहे जिन्हें कामयाबी ना हुई, लिहाजा शिवाजी के हौसले बढ़ गए। उन हालात में शिवाजी ने जब देखा कि मुगलों का लश्कर उनका मुकाबला नहीं कर सके और हर एक को वो पसपा करने में कामयाब हो गया है, तब उसने दक्कन के इलाकों में छत्रपति यानी शहंशाह होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मजीद कार्रवाइयां करते हुए उसने कर्नाटक और मैसूर के कुछ इलाकों को भी अपने कब्जे में कर लिया। उन इलाकों में लगभग 100 किले शामिल थे। औरंगजेब खुलकर अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई न कर पाए थे, इसलिए कि वो खैबर की बगावतों को खत्म करने में बुरी तरह मसरूफ थे। दूसरी तरफ जब औरंगजेब ने खैबर में अफगानों की बगावतों को एक तरह से खत्म कर दिया, तब शिवाजी महाराज को फिक्र लाहक हुई। उन्होंने जान लिया था कि औरंगजेब अगर अफगानों की बगावतों से फारिग होने के बाद उनकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उन्हें उधेड़ कर रख देंगे। लिहाजा शिवाजी ने बीजापुर की हुकूमत के एक सालार सीदी मसूद के साथ एक मुआहिदा किया
जिसके तहत ये तय पाया कि अगर औरंगजेब आलमगीर का लश्कर शिवाजी पर हमलावर होगा तो शिवाजी की मदद बीजापुर का लश्कर करेगा। और औरंगजेब ने बीजापुर पर जर्ब लगाने की कोशिश की तो शिवाजी उनकी मदद के लिए पहुंचेगा। ये मुआहिदा तय पाने के बाद शिवाजी महाराज ये समझने लगे थे कि अब वो औरंगजेब के मुकाबले में बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर है और औरंगजेब उस पर जर्ब नहीं लगा सकेंगे। दूसरी तरफ औरंगजेब भी शिवाजी की उन कार्रवाइयों से गाफिल नहीं थे। उन्होंने शिवाजी का मुकाबला करने के लिए एक ऐसे सालार का इंतखाब किया जो फतह को अपना मुकद्दर और शिकस्त को दुश्मन का मुकद्दर बनाने का फन और हुनर रखता था। उसका नाम रणमस्त खान था। रणमस्त खान का शुमार मुगलों के आला पाए के सालारों में होता था। वो बड़ा खूंखार तुर्क ख्याल किया जाता था और जंग के दौरान दुश्मन की सफों को उधेड़ कर रख देता था। आखिर शिवाजी महाराज पर हमलावर होने के लिए रणमस्त खान और दिलेर खान को एक लश्कर के साथ रवाना किया गया। दिलेर खान और रणमस्त खान जब अपने लश्कर को लेकर दक्कन पहुंचे तो मुआहिदे के मुताबिक बीजापुर और शिवाजी दोनों कुवतों ने उनका मुकाबला करने के ठाने। ये तय पाया कि बीजापुर का लश्कर सामने की तरफ से हमलावर होगा और पुश्त की जानिब से शिवाजी मुगलों पर टूट पड़ेगा और उन्हें काट कर रख देगा। दिलेर खान और रणमस्त खान जब बीजापुर और शिवाजी के लश्करियों के पास आए तब रणमस्त को उसके मुखबिरों के जरिए इत्तला हो गए कि उनके लश्कर पर सामने की तरफ से बीजापुर का लश्कर हमलावर होगा और पुश्त की जानिब से शिवाजी जर्ब लगाएगा। लिहाजा रणमस्त ने लश्कर के अगले हिस्से में दिलेर खान को रखा ताकि वो बीजापुर का लश्कर का मुकाबला करे और पिछले हिस्से में खुद रहा ताकि शिवाजी पर जर्ब लगाए। जब जंग शुरू हुई तो बीजापुर का लश्कर सामने से हमलावर हुआ। दिलेर खान ने उन्हें रोक कर रख दिया बल्कि पसपा भी किया। उतनी देर तक जब पुश्त की तरफ से शिवाजी हमलावर हुआ तो रणमस्त खान ने पलटकर हमलावर होते हुए मराठों को काटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मराठों के आधे लश्कर को लम्हों के अंदर काट कर रख दिया। रणमस्त खान ने इस कदर तेजी और सरअत से काम लिया कि उसने लम्हों के अंदर शिवाजी के पड़ाव का मुहासरा कर लिया। मराठों को बुरी तरह काटते हुए उनकी हर चीज पर रणमस्त खान कब्जा करता चला गया था। उस दौरान शिवाजी महाराज ने फरारी इख्तियार कर ली। रणमस्त खान ने आंधी और तूफान की तरह शिवाजी का ताकुब किया और उस ताकुब के दरमियान उसने लगभग 4000 शिवाजी के हिमायतियों को मौत की नजर कर दिया। शिवाजी बड़ी बेबसी के आलम में भागा था। कहते हैं 3 दिन रात तक वो इधर उधर सर गिरदा रहा। उस दौरान वो रणमस्त खान के हाथों बुरी तरह हमलावर होने से जख्मी भी हो चुका था। फिर अपने इलाके में पहुंचकर उसे बुखार हुआ और उसी बुखार में वो 53 साल की उम्र में वफात पा गया।